नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद। आपका स्वागत करता हूं हिनटेक टिप्स की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने फ़ोन पर किसी वीडियो को रिंगटोन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पा सकें। दोस्तों, वीडियो को अगर आप अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओपन करना है प्ले स्टोर और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है विंग वीडियो रिंगटोन। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने उसे प्ले स्टोर पर सर्च कर दिया है। यहां पर जब आप इसे फर्स्ट टाइम सर्च करेंगे तो आपको इंस्टॉल की बटन मिलेगी। फिलहाल यहां पर मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है तो यहां पर अनइंस्टॉल और ओपन की बटन शो हो रही हैं। तो हम सबसे पहले टैप करेंगे ओपन बटन पर। ओपन बटन पर टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ इसकी परमिशंस होंगी, आपको उन्हें एक्टिवेट कर देना है, अलाउ कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी और नीचे एक बटन मिलेगी गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप, आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। नीचे है जनरल परमिशन, आपको इसे अलाउ करना होगा। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको अलाउ के बटन मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको इसे डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप जरूर बनाना होगा क्योंकि आपका सिस्टम फ़ोन ऐप वीडियो रिंगटोन को सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से विंग वीडियो रिंगटोन ऐप को अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप यानी कि उसके ज़रिए आप कॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसे डिफ़ॉल्ट में सेट कर देना है और चैनल परमिशन पर भी आपको अलाउ कर देना है। चलिए हम ये दोनों सेटिंग पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसे अलाउ करना है। ये कुछ परमिशंस हैं जो कि इस ऐप को देनी होती हैं और उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड की बटन दोबारा से मिल जाएगी। उसे एक्टिवेट होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसे रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर इस वजह से किया जाएगा क्योंकि आपको सबसे पहले अगर कोई रिंगटोन लगाना चाहते हैं, वीडियो को बनाना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पे एक चैनल बनाया जाएगा, उस पर आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही आप उस वीडियो को अपने फ़ोन की रिंगटोन बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। कुछ ट्रेंडिंग में वीडियो हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आप इन्हें सेट भी कर सकते हैं एज ए रिंगटोन अपने मोबाइल पर। तो मैं यहाँ पर इनमें से किसी भी वीडियो को अपने मोबाइल की रिंगटोन नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ अपनी खुद की वीडियो और उस वीडियो को ही हम रिंगटोन बनाएंगे। इन वीडियो को प्ले करके आप किसी को भी सेट कर सकते हैं अगर आपको कोई पसंद आती है, और अगर नहीं पसंद आती तो आपको सबसे पहले टैप करना है अपने अकाउंट के ऊपर। अकाउंट के ऊपर टैप करने के बाद आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। आप चाहें तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आपको एक गैलरी की बटन मिल जाती है, उस पर टैप करके आप अपनी गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं और गैलरी से किसी भी वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले एक वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। मैं अपनी गैलरी पर से किसी वीडियो को अपलोड करूँगा। तो मेरे मोबाइल पे यहाँ पर ढेर सारी वीडियोस हैं तो मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस वीडियो को हम अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे फ़ोन पर वीडियो रिंगटोन प्ले होती है। अगर कोई कॉल करता है तो वो कैसे शो करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। आपको इसे ट्रिम करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो इसे ट्रिम कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आपको एक यूज़र अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका यूज़र अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आपका यूज़र नेम यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कई एक यूज़र नेम यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जो भी अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा। यूज़र नेम सेट करने के बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी ही देर में प्रोसेस होगी और प्रोसेसिंग के बाद आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो अपलोड होने के बाद आप उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन बना सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा कि आपके मोबाइल का नेटवर्क कैसा है और उसकी स्पीड कैसी है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रही है। और अगर आप इसे अपने फ़ोन की रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो नीचे एक फ़ोन की रिंगटोन का बटन मिलेगी, आपको इस पर टैप करना है। और टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माय रिंगटोन्स पे आप यहाँ पर जाइए और अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए अपलोड्स में आपको जाना होगा। अपलोड्स पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी होंगी वो सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, और नीचे दी गई बटन पे टैप करके आप इसे अपने मोबाइल की रिंगटोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर माय रिंगटोन में आप सेट कर देंगे तो ये वीडियो सेट हो जाएगी और रिंगटोन की तरह काम करने लगेगी। आप यहाँ पर उसका डेमो देख सकते हैं।
किस तरीके से वीडियो काम करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल पर किसी भी वीडियो को रिंगटोन की तरह सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कॉल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि अगर कोई कॉल करेगा तो हमारे फ़ोन पर वो वीडियो कैसी दिखाई देगी और किस तरीके से हम कॉल अटेंड करेंगे, किसी की कॉल को रिसीव करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए मैं दूसरे फ़ोन पर जाता हूँ और दूसरे फ़ोन से मैं अपने इस फ़ोन पर कॉल करूँगा और देखूँगा कि किस तरीके से हमारी वीडियो प्ले होगी और हम किस तरीके से अपने कॉल को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने दूसरे नंबर से कॉल कर दिया है और ये वीडियो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इसे स्लाइड करके रिसीव कर सकते हैं इस कॉल को, और अगर इस कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं, स्लाइड डाउन। अगर आप फ़ोन को काटना चाहते हैं तो आप स्लाइड डाउन करिएगा और आपका फ़ोन कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डायलर पैड है यानी कि कॉलिंग स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप यहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप अगर करेंगे तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप व्हाट्सअप पर डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों विंग वीडियो रिंगटोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है विंग वीडियो रिंगटोन और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी वीडियो को रिंगटोन की तरीके सेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।